नमस्कार, शुरुआत नेचुरोपैथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको राई के गुण बताते हैं। राई जो अक्सर बहुत ही हमारे खाने में इस्तेमाल में आती है। राई के कई औषधीय गुण हैं और इसी कारण से इसे कई रोगों को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। कुछ रोगों पर इसका प्रभाव नीचे दिया जा रहा है। हृदय की स्थिरता, घबराहट, व्याकुल हृदय में कंपन तथा वेदना की स्थिति में हाथ में पैरों पर राई को मले। ऐसा करने से रक्त परिभ्रमण की गति तीव्र हो जाएगी और हृदय की गति में उत्तेजना आ जाएगी और मानसिक उत्साह भी बढ़ेगा। हिचकी अगर आती है आपको तो 10 ग्राम राई पाव भर जल में उबाले, फिर उसे छान ले और उसे गुनगुना रहने पर उस जल को पिए तो आपको हिचकी में आराम आ जाएगा। बवासीर मींस अर्श, अर्श रोग में कफ प्रदान मस्से हो अर्थात खुजली जलती हो, देखने में मोटे हो, स्पर्श करने पर दुख ना होकर अच्छा प्रतीत होता हो तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाते रहने से मस्से मुरझाने लगते हैं। गंजापन, राई के हिम या फाट से सिर धोते रहने से फिर से बाल उगने आरंभ हो जाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि राई के हिम या फाट से सिर धोते रहने से फिर से बाल उगने लग जाते हैं। मासिक धर्म विकार, मासिक स्त्राव कम होने की स्थिति में टब में भरे गुनगुने गर्म जल में पिसी राई मिलाकर रोगिणी को 1 घंटे कमर तक डुबोकर उस टब में बैठाकर हिप बात कराएं। ऐसा करने से आवश्यक परिणाम में स्त्राव बिना कष्ट के ही हो जाएगा। गर्भाशय वेदना, किसी कारण से कष्ट शूल या दर्द प्रतीत हो रहा हो तो कमर या नाभि के नीचे राई को पुल्टिस का प्रयोग बार बार करना चाहिए। सफेद कोड़, अक्सर आप देखते हैं कि सफेद कोड़, श्वेत कुष्ठ जिसे कहते हैं, वहां पिसा हुआ राई का आटा 8 गुना गाय के पुराने घी में मिलाकर चकते के ऊपर कुछ दिनों तक लेप करने से उस स्थान का रक्त तीव्रता से घूमने लगता है जिससे वे चकते मिटने लगते हैं और इसी प्रकार दाद पामा आदि पर भी लगाने से लाभ होता है। कांच या कांटा लगना, राई को शहद में मिलाकर कांच कांटा या अन्य किसी धातु के कारण लगे स्थान पर लेप करने से वह ऊपर की ओर आ जाता है और आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। अंजनी, राई के चूर्ण में घी मिलाकर लगाने से नेत्र के पलकों की फुंसी ठीक हो जाती है। स्वर बंधता, हिस्ट्रिया की बीमारी में बोलने की शक्ति नष्ट हो गई हो या कमर या नाभि के नीचे राई की पुल्टिस को बार बार बांध कर उसका प्रयोग करना चाहिए। गर्भ में मरे हुए शिशु को बाहर निकालने के लिए ऐसी गर्भवती महिला को 3-4 ग्राम राई में थोड़ी सी पिसी हुई हींग मिलाकर शराब या काजी में मिलाकर पिला देने से शिशु बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपने राई के बहुत से गुण सुने जो हमने आप लोगों को बताए। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर लगातार सुनते रहिएगा और लाभ लेते रहिएगा।